नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है बोट एक्सटेंड प्रो स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है 3999 में। तो मेरे हिसाब से 4000 के अंडर में ये आपको मिलती है वॉच और ये काफी अच्छी डील है। ये है एक कॉलिंग वॉच और इसमें है 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले 60 हर्ट्स फ्रेम रेट के साथ। बात करते हैं इसके दूसरे मेन स्पेक्स की, तो इसमें है हार्ट रेट एन SPO2 IP68 वाटर रेसिस्टेंट। इसका मतलब है कि आप पानी में 1.5 मीटर गहराई तक 10 मिनट के लिए यूज कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी है इसमें। ASAP चार्ज भी है, मतलब कि आधे घंटे में आपकी स्मार्ट वॉच फुल चार्ज हो जाती है। 700+ एक्टिव मोड से, मतलब कि आप किसी भी छोटी मोटी एक्टिविटी को वर्कआउट मोड में ऐड कर सकते हो, जैसे कि साफ सफाई करना, मोपिंग करना। इसके बाद है लाइव क्रिकेट स्कोर, तो ये भी आपको मिल जाएगा। कॉल एंड SMS नोटिफिकेशंस विद क्विक रिप्लाई, क्लाउड एंड कस्टम वॉच फेसेस। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर। यूजर मैनुअल, थैंक यू कार्ड बोट की तरफ से कस्टमर के लिए, वारंटी को कैसे क्लेम करना है यहाँ पे बताया गया है। इस कोड को स्कैन करके आप वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना हुआ बोट को, तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये है इनका प्रोडक्ट लिफलेट। कॉलिंग फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है इस लिफलेट में दिया गया है। ये है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके चार्जिंग करना है। ये अटैच हो जाता है इस तरीके से। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। इसमें है 230 mAh की बैटरी और आपको चार्ज करने के लिए लगेंगे केवल 30 मिनट। आधे घंटे में आपकी स्मार्ट वॉच फुल चार्ज हो जाती है। आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का फीचर यूज करोगे और AOD का यूज करोगे, तो आपको मिलेगा 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप। बात करते हैं इसके फिजिकल और यू की, तो वॉच दिखने में अच्छी है, प्रीमियम फील होती है। जो केस है इसका मेटालिक है, बटन भी मेटालिक है, स्ट्रैप्स अच्छी क्वालिटी के हैं। स्ट्रैप्स को आप रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और ऐसे रिमूव करना है। इंसर्ट करने के लिए नीचे के होल में अलाइन करना है, फिर ऊपर की पिन को खींचना है नीचे की ओर और फिर होल में इंसर्ट करना है ऊपर में। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। मेटालिक बकल दिया गया है और ये है 2 स्ट्रैप्स होल्डर। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SPO2 एंड हार्ट रेट। इसके अलावा यहाँ पे स्पीकर टॉप राइट कॉर्नर में और बटन के नीचे है माइक। स्विच ऑन करने से पहले आप इसे फुल चार्ज कर लीजिए, आधा घंटा लगेगा। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, तो मैं अब इसे करूंगा स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, तो वॉच स्विच ऑन हो जाएगी। तो अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है बोट क्रेस्ट। बोट क्रेस्ट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर आपको इसे करना है ओपन। टैप टू स्किप कीजिए, डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इस पर टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। और इसके लिए आपको करनी है एक चीज, आपको रिसेंट एप्स में इसे ओपन करना है, जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और करना है अनरिस्ट्रिक्टेड, ताकि जो ऐप हो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहे और आपकी वॉच ऐप के साथ डिस्कनेक्ट ना हो बार बार। फिर आपको करना है डन, स्किप कीजिए, अपना फोन नंबर एंटर कीजिए और फिर टिक कीजिए और कीजिए सबमिट। OTP एंटर करने के बाद आपको मिलेगा ये ऑप्शन, जिसमें आपको साइनअप करना है। आप किसी भी ईमेल आईडी को एंटर करके साइनअप कर सकते हो या फिर गूगल से भी साइनअप कर सकते हो। मैं करूंगा गूगल से, तो साइनअप विद गूगल करूंगा और आपका जो गूगल अकाउंट है उस पर टैप करना है। फिर आप अपनी फोटो, अपना नेम, ईमेल आईडी यहां से चेंज कर सकते हो। मैं यहां पे फोटो कर लूंगा अपलोड। इसके बाद सबमिट कीजिए, अपना जेंडर सबमिट, डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ और ईयर, हाइट सेंटीमीटर में, वेट केजी में,
सबमिट, नेक्स्ट कीजिए, अपने फोन में ब्लूटूथ को ऑन कीजिए, वापस फिर नेक्स्ट कीजिए। वाइल यूजिंग द ऐप, इसमें से है आपकी वॉच एक्सटेंड प्रो लास्ट वाली, इस पे टैप कीजिए। यहां पे शो करेगा, आप देख पा रहे हो एक्सटेंड प्रो 084A, इस पे टैप कीजिए। इसके दौरान आपकी वॉच स्विच ऑन होनी चाहिए, तो पेयरिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। रोजाना आपको कितने स्टेप चलने हैं, आप अपना जो डेली स्टेप गोल है यहां से चेंज कर सकते हो, डन कीजिए। यह है होम पेज, सिंक होने दीजिए, यहां पे सिंक हो रहा है। इसके बाद आपको मिलेगा एक पॉपअप पेयर करने के लिए, आपको पेयर पे टैप करना है ताकि आप कॉलिंग फीचर को अपने फोन में यूज कर सको। अब जब भी कोई कॉल आएगा तो आप अपने वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे। अगर ये पेयर करने का पॉपअप आपको नहीं शो करता है तो फिर आपको ऊपर में कॉलिंग का बटन दिखाई देगा, यहां पे इस पे टैप करना है और करना है पेयर नाउ, पेयर कीजिए। इसके बाद परमिशन को अलाउ कीजिए कॉल को रिसीव करने के लिए, तो अलाउ करेंगे हम कॉल के लिए, अलाउ कीजिए परमिशन को, और यहां से बोर्ड क्रेस्ट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, एसएमएस के लिए भी ऑन कीजिए और ऐप के लिए भी ऑन कीजिए। और इनमें से आपको कौन से ऐप यूज करने हैं, यहां पे केवल मिलेंगे आपको चार ऐप्स, जिसमें है जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो मैं चाहता हूं जीमेल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन मुझे अपनी वॉच में मिले, तो मैंने इन्हें ऑन कर दिया है। इसके बाद आपको करना है सेव पे टैप, ओके। फिर है सिंक कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि आप अपने 20 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो अपनी वॉच में, तो आपको सिंक कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको सेव करके रखना है अपनी वॉच में, आपको उस सर्कल में टैप करना है, टैप करोगे तो टिक हो जाएगी। इस तरीके से मैं 20 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैंने 20 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। कोई भी नंबर अगर 3 डिजिट का होगा, जैसे 121, 131, 191, तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट नहीं होंगे, तो जो 4 डिजिट या उसके ऊपर है वही कॉन्टैक्ट्स आपके सिलेक्ट होंगे। फिर आपको करना है सिंक पे टैप, ओके कीजिए। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने सेव किए हैं अब इसमें आपको मिलेंगे कॉन्टैक्ट्स में। अगर आप जाओगे मेन मेनू में, कॉल में, फोनबुक में, ये है वो सारे कॉन्टैक्ट्स जो आपने सेव किए हैं अपनी वॉच में। और आपको इनमें से किसी को निकालना हुआ, डिलीट करना हो, तो डिलीट पर टैप करके आप उसे रिमूव कर सकते हो, या फिर आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पर टैप करके वापस ऐड कर सकते हो, अगर आपको ऐड करना हुआ तो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी फोन आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो इस तरीके से कॉल शो करता है, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, रिंग बजेगी। अगर आपको रिंग को साइलेंट करना हुआ तो बटन पे प्रेस कीजिए, रिंग साइलेंट हो जाएगी। आप यहां से इस कॉल को कट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। और ये है क्विक रिप्लाई का ऑप्शन, आपको जो क्विक रिप्लाई सेंड करना है इस पे टैप करके सेंड कर सकते हो और कॉल कट हो जाएगा, सामने वाले को आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा। और अगर आपने इसे रिसीव किया तो इस तरीके से ये कॉल रिसीव होता है। अगर आपको कुछ समय के लिए कॉलिंग के फीचर को ऑफ करना है, मतलब कि अगर आप चाहते हो कॉल यहां पे शो करे किसका कॉल आ रहा है लेकिन मुझे कॉल रिसीव नहीं करना है अपनी वॉच में, तो आप कॉलिंग के फीचर को ऑफ भी कर सकते हो और जब चाहे तब उसे ऑन भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बीपे लॉन्ग टैप कीजिए और जो एक्सटेंड प्रो लिखा हुआ है उसके सामने गियर का आइकन है उस पर टैप कीजिए और जो कॉल से उस टॉगल को ऑफ कीजिए। अब अगर कोई कॉल आएगा तो आपकी वॉच में शो करेगा किसका कॉल आ रहा है लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से कॉल शो होगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, आप यहां से इसे रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपके फोन में रिंग बज रही है तो आप इस पर प्रेस करके रिंग को साइलेंट कर सकते हो, फोन में जो रिंग बजना होगा वो साइलेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप क्विक रिप्लाई भी सेंड कर सकते हो और कॉल कट हो जाएगा मैसेज सेंड होने के बाद। अगर आपको कॉलिंग के फीचर को वापस ऑन करना है तो फिर आपको कॉल्स के टॉगल को ऑन करना है। अब इसके बाद कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच में रिसीव कर पाओगे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। एसएमएस आ चुका है, डिस्प्ले इसका ऑन हुआ है और मैसेज को रीड करने के लिए आपको बैक जाना है, फिर ऐसे स्वाइप करना है और ये है आपका मैसेज, आप यहां से रीड कर सकते हो। हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते और यहां पे पूरा मैसेज शो नहीं करता, आप 4-5 लाइन रीड कर सकते हो अपनी वॉच पे। अब देखते हैं अगर आपको कोई
व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा? व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है, इसमें भी डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच वाइब्रेट करती है, और यहां पे आप रीड कर सकते हो। अगर आपने इसे देखना है यहां पे मिस कर दिया तो फिर आपको होम पेज पे स्वाइप राइट करना है और आपको जो मैसेज रीड करना है उस पर टैप कीजिए। इस तरीके से आप उसे रीड कर सकते हो। एक एक को आप डिलीट नहीं कर सकते, अगर आपको डिलीट करना हो तो सभी को आप कर सकते हो एक साथ। यहां पे मिलेगा डिलीट ऑल का ऑप्शन, यहां पे टैप करके सभी को आप एक साथ इरेज कर सकते हो। आप अपने यहां पे एक साथ 8 मैसेज को रीड कर सकते हो। अगर कोई नवा मैसेज रिसीव होता है तो जो पिछला होगा सबसे लास्ट वाला वो यहां से अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं सेटिंग्स की। जैसे आप टैप करोगे सेटिंग्स के टैप पे, सबसे पहले है माय प्रोफाइल, तो आप इस पे टैप करके अपनी प्रोफाइल फोटो, अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट, आपकी स्ट्राइड लेंथ मतलब कि कदमों की लंबाई, और जब रनिंग करते हो तब कदमों की लंबाई यहां से चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। फिर आपको करना है इसे सेव करने के लिए सेव पे टैप, ओके कीजिए। फिर है एक्सटेंड प्रो फीचर्स, तो इस पे टैप कीजिए। सबसे पहले है वॉच फेसेस, वॉच फेस को आप यहां से चेंज कर सकते हो डाउनलोड करके, आपको इस पे टैप करना है। आपको मिलेंगे बाय डिफॉल्ट 4 वॉच फेसेस आपकी वॉच में, आपको जिसे अप्लाई करना है उस पे टैप कीजिए, और आपको करना है अप्लाई पे टैप, जो वॉच फेस होगा अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना हुआ तो आपको क्लाउड पे टैप करना है। आपको मिलेंगे यहां पे 100 प्लस वॉच फेसेस, तो आपको जिसे डाउनलोड करना है आपको उस पे टैप करना है। मान लो मुझे डाउनलोड करना है ये वाला वॉच फेस, तो मैं इस पे टैप करूंगा और करूंगा अप्लाई पे टैप। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो और वॉच फेस अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको करना है ओके। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे टैप करना है, बैकग्राउंड पे टैप कीजिए, फोटो पे टैप कीजिए, जो भी फोटो आपको सेट करनी है वॉच फेस पे आपको उस फोटो पे टैप करना है। जैसे मान लो मुझे रखनी है वॉच फेस पे ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। इसके अलावा जो टाइम है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, दो ही कलर आपको मिलेंगे यहां पे, ब्लैक और व्हाइट। फिर आपको करना है अप्लाई पे टैप। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे, और उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगी इस तरीके से, ओके कीजिए। फिर है सेडेंटरी रिमाइंडर, तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, तो आपको आता है एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए, तो आपको इसे ऑन करना है। बाय डिफॉल्ट इसका टाइम इंटरवल है 60 मिनट, मतलब हर 1 घंटे के बाद आपको आएगा ये अलर्ट। हालांकि आप इसका टाइम भी चेंज कर सकते हो, और ये जो अलर्ट है कौन से टाइम के बीच में काम करना चाहिए तो आप स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कर सकते हो। जो टाइम आपने सेट किया है उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आप 1 घंटे के दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको आएगा अलर्ट आपकी वॉच में, ओके कीजिए। फिर है अलार्म्स, तो अलार्म्स पे टैप करके आप अलार्म्स को सेट कर सकते हो। ये रहा सेडेंटरी रिमाइंडर, इस तरीके से आपको मिलता है। आप एक साथ यहां पे 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो। प्लस के साइन पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए यहां पे, आवर और मिनट, एएम पीएम यहां से सेट कीजिए, ओके कीजिए। और ये अलार्म आपको कौन से दिन के लिए सेट करना है तो आपको रिपीट पे इनेबल करना है। कलर में है डे मतलब कि उस दिन को ये अलार्म प्ले होगा, मैं चाहता हूं इस दिन को ये प्ले ना हो। इस तरीके से आप सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हो, अब जो कलर में है उस दिन को ये अलार्म प्ले होगा। फिर आपको करना है ओके। इस तरीके से आप अलार्म को सेट कर सकते हो अपनी वॉच में, कोई भी 5। फिर आपको करना है सेव पे टैप, सेव करने के लिए, और फिर ओके। जो भी अलार्म आप सेट करोगे आपको मिलेंगे आपकी वॉच में, और जब भी ये टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ आपकी वॉच में। फिर है नजेस का ऑप्शन, तो जब भी आप अपने बडीज को ऐड करोगे, यहां से कैसे ऐड करना है हम देखेंगे बाद में। तो बडीज को ऐड करने के बाद अगर आप एक दूसरे को नज सेंड करना चाहते हो या मैसेज सेंड करना चाहते हो इसी ऐप में, तो आपको नजेस को करना है ऑन और वाइब्रेशन को ऑन। अगर कोई भी फ्रेंड नज करता है तो आपको आएगा वाइब्रेशन अलर्ट नज का। फिर है वेदर, तो वेदर इंफॉर्मेशन अगर आपको देखना हुआ अपनी वॉच में आज का और अगले 6 दिन का, तो आपको इसे ऑन करना है। फिर अलाउ कीजिए, ओके कीजिए, परमिशन में जाइए, परमिशंस में लोकेशन में जाइए, लोकेशन, और कीजिए अलाउ ऑल द टाइम, बैक आइए। फिर आपको मिलेंगे 2 यूनिट्स, मेट्रिक और इंपीरियल। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में देखना है
तो मेट्रिक रखिए। अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखना हुआ तो इंपीरियल रखिए, इंडिया में हम करेंगे मेट्रिक। फिर है नोटिफिकेशंस, जो हम देख चुके हैं पहले ही। ऑटो एचआर ट्रैकर, मतलब कि हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता है अगर आप इसे ऑन करोगे तो, बाय डिफॉल्ट ये ऑन है और हर आधे घंटे के बाद हार्ट रेट आपकी वॉच में ऑटोमेटिक मेजर हो रहा है। आप इसका टाइम चेंज कर सकते हो, एक घंटे भी आप रख सकते हो, हर एक घंटे के बाद ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर होगा। लेकिन अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हो तो आपको इसे ऑफ करना है ताकि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर ना हो। जितना ज्यादा सेंसर यूज होता है उतनी ज्यादा बैटरी यूज होती है, तो फिर आप जब चाहे तब मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बैटरी को सेव करने के लिए। फिर है ब्लूटूथ कॉलिंग, तो हम ये पहले ही देख चुके हैं। फिर है फाइंड माई वॉच, तो इसके जरिए आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपकी वॉच कहीं पे पड़ी है लेकिन आपको मिल नहीं रही है, तो आप इस पे टैप करोगे तो इसमें होंगी दो चीजें। डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा और ये 15 सेकंड तक वाइब्रेट करेगी। तो आप इस तरीके से इसे ढूंढ सकते हो, अगर पास में कहीं पे पड़ी होगी तो आपको मिल जाएगी। फिर है गूगल फिट, तो आपको अगर इस ऐप का डेटा सिंक करना हुआ गूगल फिट ऐप से तो आप इस पर टैप कीजिए और कीजिए कनेक्ट। इसके बाद आपका जो भी डेटा होगा, जैसे स्टेप्स, किलो कैलोरी, डिस्टेंस, वो डेटा सिंक हो जाएगा गूगल फिट में। तो इस ऐप में भी आप अपनी एक्टिविटी डेटा को देख सकते हो। फिर बैक जाइए, आगे है सेटिंग्स, इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले है माई गोल्स, तो आप अपना स्टेप गोल चेंज कर सकते हो। रोजाना आपको कितने स्टेप चलने हैं और रोजाना आपको कितने घंटे सोना है, आप यहां से चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इसके बाद है वॉच सेटिंग्स, इसमें पहले है वेक जेस्चर, ये ऑन है, मतलब कि जब भी आप अपनी वॉच को ऊपर उठाओगे डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। तो आप देखोगे जैसे मैं इसे ऊपर उठाऊंगा ऑन हो जाएगा, नीचे करूंगा ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ। डिस्टेंस यूनिट किलोमीटर में ही आपको रखना है। इसके बाद टाइम फॉर्मेट, आप कौन से टाइम फॉर्मेट में टाइम को देखना चाहते हो अपनी वॉच में, तो ये है 12 आवर, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो 24 आवर। तो टाइम अब यहां पे इस तरीके से शो करेगा, आप देख सकते हो टाइम चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हो 12 आवर तो 12 आवर ही रखिए ताकि आपको आसानी हो टाइम समझने में, 12 आवर इस तरीके से शो करेगा। फिर है डीएनडी, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, कोई भी साउंड नहीं होगा और कोई भी नोटिफिकेशन और कॉल नहीं आएंगे। तो आपको अगर इसे ऑन करना है तो ऑन कीजिए, या फिर आप टाइम के हिसाब से भी इसे यूज कर सकते हो। जो टाइम आप यहां पे सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर वर्क करेगा आपकी वॉच में। फिर है क्विक रिप्लाई, तो जब भी कोई कॉल आएगा आपकी वॉच में तो ये शो करेंगे क्विक रिप्लाई। तो आप किसी भी कॉल को क्विक रिप्लाई सेंड करके रिजेक्ट कर सकते हो। तो आपको इस पर टैप करना है, आपको इसे करना है ऑन और करना है डन, ओके कीजिए। परमिशंस में जाइए और जो एसएमएस है उसे कीजिए अलाउ, वापस इसे ऑन कीजिए, मैनेज क्विक रिप्लाई। तो आपको मिलेंगे यहां पे बाय डिफॉल्ट 5 क्विक रिप्लाई। अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हो तो पेंसिल के आइकन पर टैप कीजिए और इसे आप अपने हिसाब से कुछ भी टाइप करके सेट कर सकते हो, जैसे कि आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, ओके कीजिए। अगर आपको इन्हें ऊपर नीचे करना हुआ तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, 3 बार पे लॉन्ग टैप करके आपको ट्रैक करना है इस तरीके से। जिस तरीके से यहां पे ये शो हो रहे हैं क्विक रिप्लाई, सेम उसी तरीके से आपकी वॉच में भी शो करेंगे कॉल आने के दौरान। तो आपको अगर इसे सेव करना हुआ तो सेव पे टैप कीजिए। फिर है डिसकनेक्ट वॉच, अगर आपको अपनी वॉच को अपने फोन के साथ अनपेयर करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है, आपको बार बार नहीं करना है। जब आपकी वॉच में कोई इश्यू है या वॉच ठीक से वर्क नहीं कर रही है तब आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आपको वापस सारी प्रोसेस पहले से करनी पड़ेगी पेयर करने के लिए। फिर है अबाउट योर डिवाइस, इसमें आप अपने वॉच का फर्मवेयर वर्जन, मॉडल नंबर, ऐप वर्जन चेक कर सकते हो। और फिर है हेल्प एंड फीडबैक, इसमें अगर आपको कोई भी इश्यू है तो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट अस पे टैप करके इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल सेंड करके। और फिर है लॉगआउट, तो आप इस ऐप से लॉग आउट कर सकते हो, वापस इसे यूज करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, हालांकि आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे आपको किस तरीके से लाइव क्रिकेट स्कोर को इनेबल करना है अपनी वॉच में। तो आपको क्रिकेट के आइकन पर टैप करना है ऊपर में, ये रहा, इस पर टैप कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, इनेबल नाउ कीजिए, इसे ऑन कीजिए,
वाइब्रेशन अलर्ट इसे भी ऑन कीजिए अगर आप चाहते हो अलर्ट पाना आपकी वॉच में। ओडीआई मैच में हर 10 मिनट में जो स्कोर होंगे अपडेट होते रहेंगे और T20 में हर 2 मिनट में स्कोर अपडेट होते रहेंगे। हालांकि जो आप टाइम इंटरवल है उसे भी चेंज कर सकते हो, उसके बाद आपको करना है डन। और आज कौन सी मैच है यहां पे शो करेगी, फिर आपको करना है ओके। तो ये है आज की मैच, आपको इस पर टैप करना है और करना है सेव, ओके कीजिए। इसके बाद आपको यहां पे स्कोर शो करेंगे, हालांकि मैच अभी स्टार्ट होनी बाकी है। होम पेज पे होते हुए अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा लाइव क्रिकेट स्कोर, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं होम पेज की। जैसे आप होम पेज पे टैप करोगे तो यहां पे शो करेगा आज का आपका एक्टिविटी और वाइटल्स डेटा। तो ये जो है ये है स्टेप्स, हार्ट रेट, SpO2, स्लीप स्कोर और एनर्जी मीटर। इन्हें अगर आपको डिटेल में चेक करना हुआ तो आपको जो पहला टैब है उस पर टैप करना है और आप यहां पे अपने जो वाइटल्स है उन्हें देख सकते हो डिटेल में। ये है समरी, अगर आपको डिटेल में चेक करना हुआ तो स्वाइप कीजिए। ये है स्टेप्स डेटा, आज आप कितने स्टेप चले हो, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है किलोमीटर में। और ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आपने कितने स्टेप चले थे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आप यहां पे किसी भी डेट पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको इस डेटा को शेयर करना हुआ तो आप इस पे टैप करके शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज इस डेटा को चेक करना हुआ तो इस पे टैप कीजिए। यह है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। इसके बाद है हार्ट रेट डेटा, तो आज का आपका मिनिमम कितना रहा था, मैक्सिमम कितना रहा था। इसके अलावा ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आपका मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा था। और यहां से आप इस डेटा को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हो तो आपको यहां पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज चेक करना हुआ तो इस पे टैप कीजिए। यह है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। फिर इसके बाद है स्लीप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये नाइट टाइम में ही रिकॉर्ड होता है। अगर आप दोपहर में या दिन में कभी सोते हो तो उसका डेटा यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप कितने घंटे सोए थे, कितने बजे आपको नींद लगी, कितने बजे आप जागे, टाइम शो करता है। आपकी डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रेम टाइम, अवेक टाइम, कितने टाइम के लिए था यहां पे टाइम भी शो करता है। रेम मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, जब आप सपने देखते हो सोते हुए तब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उस टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। अवेक का मतलब होता है सोने के दौरान जब आप जागते हो उस टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। ग्राफ में आप देख सकते हो कलर वाइज कौन सी स्लीप है ये, कितने टाइम के लिए, और आपका स्लीप स्कोर कितना है, कितने घंटे आप सोए, कितनी बार आपने डीप स्लीप की, कितनी बार आप सोते हुए जागे। फिर है स्लीप कंसिस्टेंसी, तो अगर आप हर रोज सेम टाइम पे सोते हो तो आपको यहां पे मिलेगी स्लीप कंसिस्टेंसी और आप इस डेटा को शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है और आप जिस किसी डेट पे जंप करना चाहते हो उस डेट पे टैप कीजिए और आप उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज चेक करना हो तो यहां पे आप डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज अपना डेटा चेक कर सकते हो। इसके बाद है SpO2, तो अगर आपने अपनी वॉच में SpO2 मेजर किया होगा तो लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था यहां पे शो करता है। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आपका SpO2 कितना था। और अगर आपको इस डेटा को शेयर करना हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर इसके बाद है एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि आप कितनी एक्टिविटी करते हो, कितने घंटे सोते हो और कितने स्टेप्स चलते हो। तो अगर आप ज्यादा स्टेप चलोगे, ज्यादा एक्टिविटी करोगे, ज्यादा सोओगे आपके गोल के हिसाब से तो आपका एनर्जी मीटर ज्यादा रहेगा। 100 आउट ऑफ आपको मिलेंगे यहाँ पे पॉइंट और आपको हर घंटे के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट शो करता है। ग्राफ पे आप चेक कर सकते हो और आप इसे शेयर भी कर सकते हो। आप अपना डेटा डेली का चेक कर सकते हो यहाँ पे ग्राफ वाइज। और अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हो तो आपको इस पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। और लास्ट में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्टिविटी डेटा, मतलब कि आपने लास्ट टाइम कौन सा वर्कआउट किया था उसका डेटा यहाँ पे शो करता है। लेकिन अगर आपको जानना हुआ कि पहले से लेकर अब तक आपने कौन कौन से वर्कआउट किए आपकी वॉच में तो आप एक साथ उन्हें देख सकते हो। तो आपको ऊपर में जो लिखा हुआ है एक्टिविटी उस पर टैप करना है और जाना है हिस्ट्री में। यह है वो वर्कआउट जो आपने किए थे।
अगर आपको किसी को भी जानना हुआ डिटेल में तो आप उस पर टैप करके उससे डिटेल में देख सकते हो। जैसे कि ये है रनिंग का, आपने कौन सी तारीख को कितने बजे किया था, कितने टाइम के लिए किया था, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था, एवरेज हार्ट रेट आपका कितना था, मिनिमम मैक्सिमम हार्ट रेट आपका कितना था वर्कआउट के दौरान, कितने स्टेप्स आप चले थे, किलो कैलोरी कितनी बर्न हुई थी और आपका पेस कितना था। पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, ये है मिनट और ये सेकंड। आपका हार्ट रेट कौन से जोन में कितने टाइम के लिए था, इसके अलावा टाइम के हिसाब से यहाँ पे शो करते हैं आपके स्टेप्स और टाइम के हिसाब से यहाँ पे शो करता है आपका हार्ट रेट कैसे चेंज हुआ था। आप चाहो तो इस डेटा को शेयर भी कर सकते हो, शेयर पे टैप करके, शेयर पे टैप करिए, शेयर हो जाएगा। और एक्टिविटी के पेज में यहाँ पे होता है 700+ एक्टिव मोड्स, मतलब कि आप किसी भी वर्कआउट मोड को ऐड कर सकते हो, जो भी छोटी से छोटी एक्टिविटी होती है उसे भी ऐड कर सकते हो वर्कआउट मोड में। तो आपको इस पे टैप करना है, डन कीजिए, फिर करिए डन। आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे बाइसिकलिंग, कंडीशनिंग एक्सरसाइज, डांसिंग, होम एक्टिविटीज, होम रिपेयर, लोन एंड गार्डन, म्यूजिक प्लेइंग, ऑक्यूपेशन, रनिंग, सेल्फ केयर, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, वॉकिंग। अगर मुझे मान लो कुछ करना हुआ जैसे कि होम रिपेयर में कोई कोई एक्टिविटी अगर ऐड करनी है या होम एक्टिविटीज में, तो मैं इस पर टैप करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब होम एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है तो यहाँ पे सभी दी गई है, जैसे कारपेट स्वीपिंग, फ्लोर स्वीपिंग, स्वीपिंग L1, स्वीपिंग L2, मोपिंग, विंडो क्लीनिंग, पॉलिश फ्लोर, डस्टिंग, क्लीनिंग, वॉश डिशेस। तो आप जो भी वर्कआउट करते हो या जो भी एक्टिविटी करते हो आप बस उन्हें ऐड कर सकते हो। तो आपको बस उस पर टैप करना है, मान लो मुझे करना है फ्लोर स्वीपिंग तो मैं इस पर टैप करूंगा, करूंगा नेक्स्ट। और फिर ये जो वर्कआउट है ये पहले से आपके वॉच में है, अब जो आपने फ्लोर स्वीपिंग किया है उसे किसके प्लेस पे रिप्लेस करना है, तो मान लो मुझे करना है हाइकिंग के प्लेस पे, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा कन्फर्म। तो जो फ्लोर स्वीपिंग है अब ऐड हो चुका है हाइकिंग के प्लेस पे, तो आपकी वॉच में हाइकिंग के प्लेस पे आपको शो करेगा फ्लोर स्वीपिंग। इस तरीके से आप कोई भी एक्टिविटी, छोटी से छोटी एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो अपने वॉच में, आपको मिलेंगे 700+ वर्कआउट मोड। फिर ये है बडीज को ऐड करने का ऑप्शन, तो आपके जो फ्रेंड्स है वो अगर बोट क्रेस्ट ऐप का यूज करते हैं तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो, प्लस के साइन पर टैप कीजिए और उन कॉन्टैक्ट्स को आपको ऐड करना है। आप उन कॉन्टैक्ट्स के साथ मैसेज भी कर सकते हो यहीं पे, और उनके साथ अपना जो डेटा है एक्टिविटी डेटा या फिर आपका SpO2 हार्ट रेट वो भी शेयर कर सकते हो, और आप एक दूसरे को नज भी सेंड कर सकते हो, मतलब कि अगर मान लो कोई एक्टिव नहीं है तो उसे एक्टिव करने के लिए आप नज या कह सकते हो एक अलर्ट सेंड कर सकते हो आपके फ्रेंड्स को यहीं पे। फिर ये है बैजेस का ऑप्शन, तो अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग बैजेस, आपको टैप करना है व्यू बैजेस पे। तो ये रहा 5x पावर, 10x पावर। अब ये जो बैज है आपको कब मिलेंगे तो आपको आई पे टैप करना है, यहाँ पे शो किया गया है कि क्या आप करोगे तो आपको ये बैज मिलेगा। तो यहाँ पे दिया गया है अगर आप 5K स्टेप्स करते हो 15 मिनट के लिए या 5K स्टेप्स करते हो सिंगल टाइम में तो आपको ये जो बैज है मिलते रहेंगे। और आपको जो भी बैजेस मिलेंगे, आपने जो भी रिसीव किए होंगे आपको मिलेंगे यहाँ पे शो माय बैजेस में। दोस्तों ये था ऐप के बारे में, अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शन। अगर आप होम पेज पे हो ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो और वहां से अगर आपको बैक आना हुआ तो आप प्रेस कीजिए और आप प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप बैक आ सकते हो। और अगर आप इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ या फिर रिस्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। आप जेस्चर का यूज करके भी बैक जा सकते हो, तो आपको ऐसे स्वाइप करना है इस तरीके से बैक जाने के लिए। होम पेज पे होते हुए अगर आपने स्वाइप अप किया तो आज जो भी मैच है उसके लाइव स्कोर आप देख सकते हो। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में बैटरी परसेंटेज शो करता है, आज की डेट और डे, सबसे पहले है DND। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी वाइब्रेशन साउंड नहीं होगा और कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। फिर है AOD का ऑप्शन, मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में हमेशा क्लॉक शो करेगी, दो स्टाइल होती है उसमें, एनालॉग और डिजिटल। ये है एनालॉग, तो इस तरीके से हमेशा क्लॉक शो करेगी आपकी वॉच पे। अगर आपको इस फॉर्मेट को चेंज करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, टर्न ऑन फीचर, इसे आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। और आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, हमने पहले देख लिया एनालॉग और आप इसे कर सकते हो डिजिटल भी।
डिजिटल इस तरीके से शो करेगा, तो आपकी वॉच पे ऐसा हमेशा के लिए शो करेगा। लेकिन इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है, 1 घंटे अगर आप इसे यूज करोगे तो 1% बैटरी ड्रेन होती है। तो आप यहां से शॉर्टकट तरीके से एवडी को ऑन या ऑफ कर सकते हो। जब आपको इसे ऑन करना है तो ऑन कीजिए, ऑफ करना है तो ऑफ कीजिए। फिर है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन, तो आप यहां से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो स्लाइड करके। ब्राइटनेस इसकी काफी अच्छी है, आउटडोर में भी आप काफी अच्छे से कंटेंट को देख सकते हो अपनी वॉच में। फिर है फाइंड माय फोन, अगर आप अपने फोन को ढूंढना चाहते हो अपनी वॉच से तो आप ऐसा कर सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अपने फोन में रिंग कर सकते हो। अगर आपका फोन साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी, फ्लैश भी होगा, स्टॉप करने के लिए बैक जाइए, इस तरीके से आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। लेकिन इस फीचर का यूज करने के लिए दोनों 10 मीटर के रेंज में होने चाहिए। फिर है अलार्म का ऑप्शन, और फिर है सेटिंग्स। तो इसमें पहले है वॉच फेस, आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए और वो सेट हो जाएगा, या फिर होम पेज पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे और स्वाइप करोगे तो भी आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है स्क्रीन स्लिप, मतलब कि स्क्रीन कितने सेकंड के बाद ऑफ होनी चाहिए। मान लो मैंने सेट किया है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड तक डिस्प्ले इसका ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम यहां पे 20 सेकंड तक डिस्प्ले को ऑन रख सकते हो। अगर आपको बैटरी सेव करना है तो आप 10 या 15 सेकंड रख सकते हो ताकि बैटरी ज्यादा यूज ना हो। फिर है वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन को कौन से इंटेंसिटी पे आपको सेट करना है, सॉफ्ट या स्ट्रॉन्ग। अगर आपको ज्यादा वाइब्रेशन फील करना है अपनी हथेली पे तो स्ट्रॉन्ग रखिए, अगर आपको हल्का सा चाहिए तो सॉफ्ट रखिए, अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो नॉन रखिए। इसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब, तो आप इसे दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो ऑल डे हमेशा के लिए काम करेगा, या फिर आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। जो टाइम आप यहां पे सेट करोगे स्टार्ट टाइम, मान लो रात के 9 से लेकर सुबह के 7 बजे तक, तो मैंने जो टाइम सेट किया है स्टार्ट टाइम एंड टाइम, उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। फिर सिस्टम, तो इसमें आप अपनी वॉच को रिस्टार्ट कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो, और यहां से फैक्ट्री रिसेट भी कर सकते हो। सारा जो डेटा होगा इस ऐप में और इस वॉच में इरेज हो जाएगा। और फिर डाउनलोड ऐप जो हम कर चुके हैं, तो आपको इसे स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आप इसे स्कैन करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और फिर अबाउट, इसमें अपनी वॉच का मॉडल नेम, फर्मवेयर वर्जन और मैक एड्रेस चेक कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट्स की। जैसे आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले स्टेप्स डेटा, तो ये है आज के स्टेप्स, आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। स्वाइप अप कीजिए तो यहाँ पे डे के हिसाब से आपके स्टेप्स शो करेंगे, और ये है वीक वाइज। इसके बाद है हार्ट रेट, तो आप यहाँ पे मेजर पे टैप करके हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा ऊपर में शो करेगा। स्वाइप अप कीजिए तो आज का ये डेटा है, टाइम के हिसाब से आपका हार्ट रेट कौन से लेवल पे था, आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा था, और रेस्टिंग टाइम में आपका हार्ट रेट कितना था, यहाँ पे शो करता है। इसके बाद स्वाइप करिए तो है SpO2, तो आप मेजर पे टैप करके मेजर कर सकते हो, जो भी आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे शो करेगा। स्वाइप अप कीजिए तो आपने कौन से टाइम पे मेजर किया था, कौन से लेवल पे था, यहाँ पे ग्राफ में शो करता है। इसके अलावा फिर आगे है स्लीप डेटा, तो कितने घंटे आप सोए थे, स्वाइप अप कीजिए। डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रेम टाइम, अवेक टाइम कितना था, यहाँ पे शो करता है, स्वाइप कीजिए। और ये है 7 डे का रिकॉर्ड, डे वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इसके आगे है म्यूजिक प्लेयर, तो टैप कीजिए, म्यूजिक प्ले होगा वॉच में। नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। लेकिन अगर आपको इस म्यूजिक को प्ले करना है आपके फोन में, तो आप फोन में भी प्ले कर सकते हो, अभी प्ले हो रहा है वॉच में। तो फोन में प्ले करने के लिए आपको अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स को ओपन करना है, बी पे टैप कीजिए, लॉन्ग टैप कीजिए, और फिर जो एक्सटेंड प्रो है उसके सामने गियर का आइकन है उस पर टैप कीजिए, और ऑडियो लिखा होगा उसे डिसेबल कीजिए। इसके बाद प्ले कीजिए, फोन में प्ले होगा। अब आप अपनी वॉच से कंट्रोल कर सकते हो म्यूजिक को। नेक्स्ट, प्रीवियस। अगर आपको अपने वॉच में ही प्ले करना है म्यूजिक को तो इसे ऑन कीजिए, अब म्यूजिक वॉच में प्ले होगा।
फिर इसके बाद है वेदर डेटा, तो वेदर इनेबल कर लिया है मैंने, फिर भी वेदर यहां पे शो नहीं कर रहा है, तो ये एक इश्यू है इस वॉच में या इस ऐप में, तो इस इश्यू को सोल्व करना चाहिए बोर्ड को। हालांकि अगर वेदर शो होता है तो यहां पे अभी फिलहाल कितना वेदर है वो शो करेगा, आज का मिनिमम मैक्सिमम सनराइज सनसेट टाइम, फिर इसके आगे ह्यूमिडिटी विंड स्पीड प्रेशर कितना है, और फिर अगले 6 दिन का आपको मैक्सिमम मिनिमम वेदर फोरकास्ट यहां पे शो करेगा। फिर इसके आगे है नोटिफिकेशन, तो जो भी आपने नोटिफिकेशन रिसीव की है यहां पे आप रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो जैसे आप बटन पे प्रेस करोगे आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले है कॉल का फीचर, तो इसमें है डायलर, फोन बुक और कॉल हिस्ट्री। डायलर में आप कोई भी नंबर डायल करके उसे कॉल कर सकते हो इस तरीके से। और जब आप कॉल करोगे तो यहां से आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद जो कॉल है अब वॉच में है, आप चाहो तो इसे फोन में स्विच कर सकते हो, आपको यहां पे टैप करना है। अब जो कॉल है फोन में स्विच हो चुका है, आप देख सकते हो को डायल करें या हमारे आपको अगर वॉच में करना है स्विच तो इस पे टैप कीजिए। अब जो कॉल है वॉच में स्विच हो चुका है, इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो और इसे एंड कर सकते हो। फिर है फोन बुक, तो जो भी 20 कॉन्टैक्ट्स हमने ऐड किए अपने आप में वो यहाँ पे शो करेंगे, आप टैप करके उन्हें देख सकते हो इस तरीके से। ये रहे वो कॉन्टैक्ट्स, अगर आपको किसी को भी कॉल करना हुआ तो आप उस पर टैप करके कॉल कर सकते हो इस तरीके से। और फिर है कॉल हिस्ट्री, तो आपने जो भी कॉल किए है या कॉल रिसीव किए है उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट 20 कॉल्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, और अगर आपको कॉल करना हुआ तो आप उस कॉन्टैक्ट पे टैप करके वापस कॉल कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि आप कॉल हिस्ट्री को इरेज नहीं कर सकते, जैसे जैसे आप कॉल करोगे वैसे वैसे जो नीचे वाले कॉल्स होंगे वो यहां से रिमूव होते जाएंगे और नए अपडेट होते जाएंगे। फिर है एक्टिविटीज, तो यहां पे आपको मिलेंगे वर्कआउट मोड, यहां पे है 20 वर्कआउट मोड, और अगर आपको किसी को भी ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो ऐप में से जैसे मैंने बताया। और अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हुआ, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पे कौन से 20 वर्कआउट मोड है, तो मैंने हाइकिंग के प्लेस पे इसे ऐड कर दिया है। इसके अलावा वॉकिंग, ट्रेडमिल, रनिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, इंडोर साइकिलिंग, डांसिंग, योगा, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कराटे, टेबल टेनिस, प्लेट्स, स्कीपिंग, हॉकी, कबड्डी, बॉलिंग। अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हो, मान लो मुझे स्टार्ट करना है वॉकिंग को, तो मैं इस पर टैप करूंगा वापस स्टार्ट करने के लिए, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका हार्ट रेट कौन से लेवल में है यहाँ पे शो करता है कितना है, इसके अलावा आपका पेस कितना है, आप कितने स्टेप चले हो, कितना टाइम हुआ है, स्वाइप अप कीजिए, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है। अगर आप ऐसे स्वाइप करोगे तो आप यहां से म्यूजिक को क्विकली कंट्रोल कर सकते हो या प्ले कर सकते हो, और अगर आप ऐसे स्वाइप करोगे तो आप यहां से इसे पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, या फिर आप इसे एंड भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका डेटा सेव हो इस वॉच में और आपके ऐप में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए करना है इस वर्कआउट को। इसके बाद जो भी वर्कआउट आप करोगे उसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा एक्टिविटी रिकॉर्ड्स में, तो आपने कौन कौन से वर्कआउट किए आपको यहाँ पे शो करते हैं। अगर आपको किसी को भी डिटेल में जानना हुआ तो उस पर टैप कीजिए, ये कौन सा वर्कआउट था, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने किया था, और आपका ड्यूरेशन, डिस्टेंस, किलो कैलोरी, एवरेज हार्ट रेट, स्टेप्स और आपकी पेस कितनी थी यहाँ पे शो करता है। फिर इसके बाद है हार्ट रेट, जो हम देख चुके हैं, SpO2, स्लीप डेटा, और फिर है ब्रीथ एक्सरसाइज, तो आप यहाँ पे ब्रीदिंग वर्कआउट कर सकते हो, आपको गाइडेड ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो 1-2-3 मिनट, और आपकी स्पीड मॉडरेट, स्लो या फास्ट। तो मान लो मुझे करना है फास्ट पे, तो मैं करूंगा स्टार्ट। फिर आपको 1 मिनट के लिए सांस लेनी है फास्ट, जैसे ये सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से। एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है, और इनहेल मतलब सांस लेनी है। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। और फिर इसके बाद है नोटिफिकेशन, जो भी आप रिसीव करोगे यहाँ पे भी आप देख सकते हो। फिर है स्टॉप वॉच, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ये है लैप के लिए ऑप्शन, यहाँ पे आप एक साथ 20 लैप्स को दे सकते हो। स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए, बैक आइए। फिर है टाइमर, तो यहाँ पे अलग अलग टाइमर मैक्सिमम 2 आवर के लिए, लेकिन आप अपने हिसाब से कस्टम पे टैप करके मैक्सिमम 23 आवर, 59 मिनट और 59 सेकंड, मतलब कि करीबन 24 आवर का जो टाइमर है स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से, स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप कीजिए, बैक आइए। आगे है अलार्म, तो यहाँ पे आप एक साथ 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो, जो भी अलार्म आपने ऐड किया आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे, आप उसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे टैप करके आप उसे
एडिट भी कर सकते हो, कौन सा टाइम आपको चेंज करना है टाइम चेंज करिए, और कौन से दिन के लिए आपको चाहिए अलार्म, जो कलर में है उस दिन को ये अलार्म प्ले होगा। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हो, अगर आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पर टैप करके नए अलार्म को आप ऐड भी कर सकते हो इस तरीके से। फिर आगे है फ्लैश लाइट, ऑन हो चुका है, ऑफ करने के लिए बैक जाइए, इस तरीके से आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। फिर है कैमरा कंट्रोल, टैप कीजिए आपके ऐप में ओपन होगा कैमरा। फिर आपको यहाँ पे टाइमर सेट करना है, कितने टाइम के बाद कैप्चर होना चाहिए, तो यहाँ पे है 1 से 10 मिनट का टाइमर, मान लो मैंने किया है 2 सेकंड का, जैसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा 2 सेकंड के बाद फोटो कैप्चर हो जाएगी, फोटो कैप्चर हो चुकी है आपके फोन के गैलरी ऐप में मिलेगा पिक्चर्स के फोल्डर में, लेकिन ऐप ओपन होना चाहिए तभी कैमरा ओपन होगा। मान लो ऐप ओपन नहीं है और ऐसे में आपने किया कैमरा कंट्रोल, तो आप देखोगे यहाँ पे ओपन होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नोटिफिकेशन आई है रिमोट कैमरा अलर्ट की उस पर टैप करना है, उसके बाद कैमरा ओपन होगा और आप फिर फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। फिर इसके बाद है म्यूजिक कंट्रोल, जो हम देख चुके हैं। वेदर इंफॉर्मेशन, ये भी हम देख चुके हैं, ये शो नहीं हो रहा है वेदर आपके वॉच में हो रहा है कि नहीं आप मुझे बता सकते हो। फाइंड माई फोन जो देख चुके हैं, सेटिंग्स भी हम देख चुके हैं, और बाद में है वॉइस असिस्टेंट, तो आप अपनी वॉच में गूगल असिस्टेंट या सीरी को यूज कर सकते हो। आपका फोन अगर लॉक भी हुआ फिर भी आप इसे यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको यहां पे टैप करना है हाउ इज द वेदर टुडे, द फोरकास्ट इज अराउंड 28 डिग्रीज एंड मोस्टली क्लाउडी, करंटली इट्स 29 एंड मोस्टली क्लाउडी। टेल मी लाइव क्रिकेट स्कोर, इंडिया विल फेस वेस्ट इंडीज टुडे एट 10 PM। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था फुल सेटअप गाइड बोट एक्सटेंड प्रो स्मार्ट वॉच का। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।